तो दोस्तों फाइनली हम लेके आ गए हैं आपके सामने जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है रेडमी के नोट 13 सीरीज की नोट 13 प्रो स्मार्टफोन। इसके हम कैमरे के डिटेल्ड वीडियो लेके आ गए हैं आपके सामने, इसकी कैमरे की टेस्टिंग, क्योंकि हम लगभग इस स्मार्टफोन को 10 से 15 दिन तक हम यूज किया है इस स्मार्टफोन को, तो वो वीडियो भी आ चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर मैं कैमरे की डिटेलिंग की बात करता हूँ, इसमें हम कैमरे से रिलेटेड पोर्ट्रेट, सेल्फी, वीडियो क्वालिटी कैसी देखने को मिल जाती है वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी मैं इसके सेल्फी कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 16 मेगापिक्सल का 1080 60fps पे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। इसमें कोई भी आपको 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है रेडमी को। बाकी कलर्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं कैसा आपको देखने को मिल जाता है, फेस को थोड़ा ब्राइट कर देता है, वाइट और स्मूथ करने की कोशिश करता है। बाकी अगर मैं बिल्कुल सन में अगर मैं मेरे फेस पे आता है तो आप देख सकते हो कि कलर्स का कैसा है, कहीं पे आपको एकदम से वाइट स्पॉट देखने को मिल जाता है, कहीं पे एकदम से ब्लैक सा थोड़ा देखने को लग रहा है, मेरे को फील हो रहा है पर्सनली। और सन अगर मैं बिल्कुल पीछे चला जाता है तो थोड़ा सा ठीक है, कलर्स को एडजस्ट कर पाता है, बाकी कलर्स को थोड़ा बूस्ट कर नहीं करता है, नेचुरल वे में जितना हो सके उतना नेचुरल करने की कोशिश करता है। बाकी इसमें थोड़ा सा सेल्फी कैमरा बिल्कुल क्रॉप कर देता है, बिल्कुल जूम करके लेके आता है, हाथ को काफ़ी ही दूर करने की ज़रूरत होती है, फिर भी आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो पाता, कहीं पे हेयर कट जाते हैं कहीं पे, तो आप वो देख सकते हैं। डायनेमिक रेंज मेरे को थोड़ा सेल्फी कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी मिस फील हुई है, बाकी आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। सो फाइनली हम मेन बात करते हैं मेन कैमरे के बारे में। इसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। मेन जो कैमरा है इसमें डिटेलिंग किसी पिक्चर्स में आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, जैसे ये पिक्चर है इसमें डिटेलिंग आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, स्किन को ब्राइट कर देता है, बाकी ऑल ओवर पिक्चर आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल जाते हैं, कलर्स भी काफ़ी एडजस्ट कर पाता है। बट किसी पिक्चर्स में आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, इनमें आपको इतनी ज़्यादा क्लियरिटी फील नहीं होती, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। मेरे को पर्सनली अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिली है। 26,000 प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इस स्मार्टफोन को मैं आपके सामने बता रहा हूँ, 26,000 में काफ़ी बेस्ट कैमरे आ जाते हैं, काफ़ी बेस्ट, क्योंकि अभी रेनो 11 भी लॉन्च हुआ है, वो 30,000 रुपये में डिस्काउंट के साथ में आपको वो 27 तक मिल जाता है। उसके हिसाब से ये स्मार्टफोन का कैमरा काफ़ी ही आपको डाउनग्रेड फील होता है, क्वालिटी कम ही आपको देखने को मिल जाती है मेन कैमरे में। अभी हम फाइनली बात करने वाले हैं पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट में इसमें फीचर्स तो दे दिया गया है अलग से, इस स्मार्टफोन में कहीं पे भी आपको कैमरा देखने को नहीं मिलता है टेलीफोटो। AI की हेल्प से ही आपको टेलीफोटो भी करना पड़ता है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा ब्लर कर पाता है, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग भी इसमें कैप्चर कर पाता है। बट आप देख सकते हो पिक्चर्स में थोड़ी सी इतनी आपको हाई क्वालिटी पिक्चर्स फील नहीं होगी स्मार्टफोन में, एकदम से ऐसे वाइब्रेंट सी पिक्चर्स नहीं लगती है। मैंने नॉर्मल वे में इस स्मार्टफोन से पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट करके पिक्चर क्लिक की है, तो उसके हिसाब से मैं आपको रिव्यू दे पा रहा हूँ। आपको कैसी पिक्चर्स क्वालिटी लगी है वो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। अभी दोस्तों इसके रियर कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप देख सकते हो रेडमी के नोट 13 प्रो स्मार्टफोन के साथ में। इसमें आप 1080 30fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो विद स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करके, इसमें कोई भी 60fps का आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। रियलमी वाले में आपको 12 प्रो में आपको 60fps का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता था विद स्टेबलाइजेशन ऑन करके, तो आप खुद चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें वॉइस की क्लियरिटी आपको कैसी सुनने को मिल रही है, मेन ह्यूमंस आपको कैसे देखने को मिल जाते हैं। कुछ स्टेबिलिटी का भी हम टेस्ट कर लेते हैं हल्का फुल्का, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आ जाओ कैमरामैन इसके ऊपर से, चलो तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कैसा आपको वीडियो क्वालिटी इसमें देखने को मिल पा रही है, बिल्कुल डायरेक्ट सन आ रहा है मेरे फेस पे, सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है, तो उसमें आपको वीडियो क्वालिटी कैसे देखने को विद स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद आपको कैसी क्लियरिटी आपको देखने को मिले वो कमेंट जरूर कर दे दोस्तों। अभी हम सेल्फी कैमरे की भी बात कर लेते हैं। सेल्फी कैमरे में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में, और जो इसमें जो डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाती है वो काफ़ी बेस्ट आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी हद तक अच्छी पिक्चर्स इसमें क्लिक कर पाता है। बट किसी पिक्चर्स में इसमें स्किन को थोड़ा सा ब्राइट कर देता है, किसी पिक्चर्स में इसमें थोड़ी सी है ना डल पिक्चर्स फील होती हैं, ज़्यादा कुछ आपको शार्प पिक्चर्स फील नहीं होंगी, काफ़ी
आपको ये देखने को मिल जाता है ये परेशानी इन पे सेल्फी कैमरे में, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ऑल ओवर इसमें ठीक ही पिक्चर क्वालिटी मेरे को फील हुई। आप सैंपल्स देख के आप जरूर बताएं कि आपको सेल्फी में कैसी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। अभी दोस्तों मैं इसके रियर कैमरे से 4K और 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें 60 FPS का कोई भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है और विदाउट स्टेबलाइजेशन इसमें हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसमें डायनेमिक रेंज आपको अच्छी देखने को मिल पा रही है, बट इसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसा फील होता है नोइसी सा हल्का सा मेरे को पर्सनली फील हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। और एक ऑप्शन अच्छा लगा है कि इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम भी आप जूम कर सकते हो, इसमें आप 6x तक जूम भी कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम, और इसका थोड़ा सा स्लो ही जूम आउट होता है, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। धीरे धीरे आप जूम आउट कर सकते हो इसमें, आप देख सकते हो। बाकी इसमें इस प्राइस सेगमेंट को देखते हुए मेरे को रियलमी 12 प्रो में का कैमरा ज़्यादा अच्छा लगा है, पर्सनली बता रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है वो मेरे को नहीं पता है दोस्तों। और 26,000 रुपये प्राइस सेगमेंट को देखते हुए इसमें जो कैमरे की क्वालिटी है ना, वो थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी थी। जूम की बात करने वाले हैं, इसके अंदर आपको 10x तक जूम देखने को मिल जाता है। जूम की डिटेलिंग अच्छी देखने को नहीं मिलती है, आपको 10x में भी 8x 9x 7x पे भी आपको इतनी ज़्यादा डिटेलिंग फील नहीं होगी जूम में, जो इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अगर मैं अज्यूम करके मैं जूम के लिए ये स्मार्टफोन लेता हूँ तो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग आपको अच्छी फील नहीं होती। 4x 5x तक आपको काफ़ी अच्छी जूम देखने को मिल जाती है, उसके अलावा आपको बिल्कुल भी अच्छी इसमें जूम क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती। अभी वाइड एंगल की बात करते हैं, इसके अंदर आपको 8 MP का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। 0.6 तक आप इसमें वाइड कर सकते हो, वाइड एंगल में काफ़ी अच्छी पिक्चर्स और काफ़ी वाइड आपको पिक्चर्स क्लिक कर पाता है, काफ़ी अच्छी इसमें पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 8 MP के हिसाब से ही इसमें पिक्चर्स इतनी ज़्यादा आपको थोड़ा सा इसमें फील होता है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट जो ब्लैक है वो थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर देता है इस स्मार्टफोन में, बाकी ऑल ओवर आपको काफ़ी बेस्ट क्वालिटी इसमें देखने को मिल जाती है। अभी मैं फाइनली अगर इस स्मार्टफोन की बात करता हूँ कैमरे से रिलेटेड, इसमें आपको कैमरा इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है 27,000 रुपये के स्मार्टफोन के हिसाब से। इसमें पोर्ट्रेट में है वो थोड़ा सा आपको एज डिटेक्शन में परेशानी हो सकती है, बाकी डिटेलिंग में आपको थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन में। आपने काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स भी आपने देखे होंगे, इतने वाइब्रेंट कलर्स लेके नहीं आता, इतने बूस्ट कलर्स को नहीं करता ये स्मार्टफोन, थोड़ा सा इसमें नेचुरल वे ही रखने की कोशिश करता है। थोड़ा सा अगर कलर्स को या सेचुरेशन को इंक्रीज कर देता है ना तो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स इसमें आ जाती है। लाइट की काफ़ी इसमें ज़रूरत होती है, जहाँ से आपको प्रॉपर लाइट इस स्मार्टफोन को मिलती है तो ही आपको पिक्चर्स अच्छी देखने को मिल पाती है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो इस वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।